आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम है गरिमा और मेरे साथ हम डिस्कस करेंगे एंटोमोलॉजी फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। हम बहुत प्रिसाइज लेकिन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे एंटोमोलॉजी का और वैसे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम्स में आने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद इंट्रोडक्शन। एंटोमोलॉजी वर्ड जो है ये दो ग्रीक वर्ड्स का अमैलगमेशन है, एंटोमॉन जिसका मतलब है इंसेक्ट्स, लॉजिया जिसका मतलब है नॉलेज। एंटोमोलॉजी इज़ अ बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड द इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बना है, वेयर एज इंसेक्ट वो एक लैटिन वर्ड का डेरिवेटिव है, जिस जो लैटिन वर्ड है उसका नाम है इंसेक्टम विच मीन्स एनिमल्स विद अ नॉच्ड और डिवाइडेड बॉडी। इन मतलब इंटरनल, सेक्ट मतलब कट। और इंसेक्ट्स जो है वो आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में, और आर्थ्रोपोडा जो है वो दो ग्रीक वर्ड से बना है, आर्थ्रोज मीन्स जॉइंटेड, पॉड मीन्स फूट, और दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विच फाइलम इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, देन यू हैव टू आंसर आर्थ्रोपोडा एंड द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज़ मॉलस्का। तो इंसेक्ट जो है वो है लैटिन वर्ड का डेरिवेटिव, एंटोमोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड का है, आर्थ्रोपोडा वो भी ग्रीक वर्ड का है, आप इसको याद रखिएगा। और फादर ऑफ ब्रिटिश एंटोमोलॉजी या फिर फादर ऑफ एंटोमोलॉजी इन जनरल इज़ नोन एज, जो फादर है एंटोमोलॉजी के उनका नाम है विलियम किर्बे, ठीक है। और जो फादर ऑफ फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी हैं वो है मैगनिन। और अब हम आते हैं इवोल्यूशन का एस्पेक्ट्स देखते हैं। आर्थ्रोपोडा जो है, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो इवॉल्व हुआ है कैम्ब्रियन पीरियड में। इंसेक्ट्स क्लास इंसेक्टा वो इवॉल्व हुआ है डिवोनियन पीरियड ऑफ पेलियोज़ोइक एरा, ऑलराइट। और जो फर्स्ट विंग्ड इंसेक्ट है और फर्स्ट फाइटोफैगस इंसेक्ट है, ये दोनों ओरिजिनेट हुए हैं कार्बोनिफेरस पीरियड में, ये हम याद रखेंगे। आर्थ्रोपोडा जो है वो इवॉल्व हुआ है कैम्ब्रियन पीरियड में, इंसेक्ट्स इवॉल्व हुआ है डिवोनियन पीरियड ऑफ पेलियोज़ोइक एरा में, और फर्स्ट विंग्ड इंसेक्ट या फिर फाइटोफैगस इंसेक्ट वो इवॉल्व हुआ है कार्बोनिफेरस पीरियड में। और जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है वो है कि द अर्लीस्ट नोन फॉसिल ऑफ इंसेक्ट, जो सबसे पहला फॉसिल ऑफ इंसेक्ट जो विच इज़ नोन टू अस वो एक कॉलम्बोला का है, कॉलम्बोला एक एटेरिगोटा है, और उस फॉसिल का उस कॉलम्बोलन का नाम है राइनियला प्रिकर्सर, और इट वॉज डिस्कवर्ड बाई टू साइंटिस्ट हिस्ट एंड मॉलिक इन द कंट्री स्कॉटलैंड इन द ईयर 1926। ये इम्पॉर्टेंट है, हम याद रखेंगे। अर्लीस्ट नोन फॉसिल जो है वो है राइनियला प्रिकर्सर, जो कि कॉलम्बोला है, और ये डिस्कवर हुआ था इन स्कॉटलैंड बाई टू साइंटिस्ट हिस्ट एंड मॉलिक इन द ईयर 1926। अब हम इम्पॉर्टेंट फाइलम आर्थ्रोपोडा का कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स देख लेंगे। इसमें इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड है, और सेगमेंट्स जो है वो ग्रुप्ड होते हैं दो और तीन रीजन्स में, जिसको हम टेगमोसिस कहते हैं। इसका जो एक्सोस्केलेटन है, आर्थ्रोपोडा के जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिनियस होते हैं और रिन्यूएबल होते हैं, दे ग्रो बाय मोल्टिंग। इनकी जो बॉडी होती है वो बायलैटरल सिमेट्री होती है, बॉडी की सिमेट्री, और जो बॉडी कैविटी है वो फिल्ड विद ब्लड होता है, और जो ब्लड है उसको हम हीमोसील कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो ट्यूबुलर होता है विथ माउथ एंड एनस एट इंटीरियर एंड पोस्टेरियर एंड्स रिस्पेक्टिवली। डॉर्सल हार्ट विथ वाल्व लाइक ऑस्टिया, ब्रेन भी डॉर्सल होता है विथ वेंट्रल नर्व कॉर्ड, मसल्स स्ट्रिएटेड होते हैं, सेगमेंटेड पेयर्ड और अपेंडिजेस पेयर्ड और सेगमेंटेड होते हैं, एंड दे आर शाइजोसिलोमेट्स, यानी जो बॉडी कैविटी या फिर सिलोम है इट इज़ फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग द मेसोडर्मल एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। तो चलिए ये हो गया हमारा एंटोमोलॉजी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के
कुछ इम्पॉर्टेंट क्लासेस देखेंगे हमारे इंटरेस्ट्स के। इसमें दो क्लासेस हैं, अरैकनिडा एंड इंसेक्टा। अरैकनिडा में के कैरेक्टर्स हैं कि उनका हेड और थोरैक्स फ्यूज्ड होता है, और इस फेनोमेना को हम सिफेलोथोरैक्स कहते हैं। एंड दे हैव फोर पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स एंड देयर लेग्स आर अनसेगमेंटेड। दे डोंट हैव एंटेना। और अरैकनिडा का एग्जाम्पल है टिक्स, माइट्स एंड स्पाइडर्स। अब हम आते हैं क्लास हेक्सापोडा की तरफ, या फिर क्लास इंसेक्टा। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दे हैव सिंगल पेयर ऑफ एंटेना एंड थोरैक्स। इट ऑलवेज कैरीज थ्री पेयर ऑफ लेग्स एंड एटलीस्ट टू पेयर्स ऑफ विंग्स एंड इंसेक्ट्स जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के टोटल पॉपुलेशन का 97% कॉन्स्टिट्यूट करता है। इतना हो गया इंसेक्ट्स के बारे में। क्लास इंसेक्ट्स के अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स को देखेंगे जो हमारे इंटरेस्ट का है और जो एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट भी है। उससे पहले हम जानते हैं कि इंसेक्ट्स जो है वो उनका डेवलपमेंट मेटामॉर्फोसिस के थ्रू होता है, और दे आर ट्रैकिएट आर्थ्रोपोड एंड दे हैव सिंगल पेयर ऑफ एंटेना एंड देयर थोरैक्स कैरीज थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स एंड वन और टू पेयर्स ऑफ विंग्स। अब जो इंसेक्ट्स का क्लासिफिकेशन है, जो वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है इंसेक्ट्स का उनके ऑर्डर्स में, इट वॉज गिवन बाई द टेक्सोनमिस्ट A.D. Imms। इम्स के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया था इंसेक्ट्स के ऑर्डर का, 29 ऑर्डर्स का, हम वो देखेंगे। अब तो 30 ऑर्डर्स हो गए हैं जिसमें हमारे एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट जो है वो 8 ऑर्डर्स है, जैसे हाइमेनोप्टेरा, डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, थाइसेनोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, हेमिप्टेरा एंड आइसोप्टेरा। क्लास इंसेक्टा के दो सब क्लासेस हैं, ए टेरीगोटा एंड टेरीगोटा। ए टेरीगोटा में आते हैं 4 ऑर्डर्स और टेरीगोटा में रिमेनिंग 26 ऑर्डर्स। अब टेरीगोटा को फर्दर हम डिवाइड करेंगे एक्सोटेरीगोटा एंड इंडोटेरीगोटा। अब हम ऑर्डर्स देख लेंगे और उसके एग्जांपल्स को साइमल्टेनियसली देखते रहेंगे। ए टेरीगोट मतलब होता है दे आर विंगलेस, दे डोंट शो मेटामॉर्फोसिस, मतलब उनमें विंग एब्सेंट होता है, और जो मेटामॉर्फोसिस होता है एक लार्वा प्यूपा अडल्ट, ये फेजेस एब्सेंट होते हैं। तो ए टेरीगोट 4 ऑर्डर हैं, प्रोट्यूरा, डिप्लूरा, कॉलम्बोला, थाइसेन्यूरा। प्रोट्यूरा जिसका एग्जाम्पल है टेल्स एंड टेल्स, डिप्लूरा जिसका एग्जाम्पल है जैपिगेट्स, कॉलम्बोला जिसका एग्जाम्पल है स्प्रिंग टेल्स, थाइसेन्यूरा जिसका एग्जाम्पल है सिल्वर फिश। प्रोट्यूरा टेल्स एंड टेल्स, इसमें एंटेना और आईज एब्सेंट होते हैं और एनामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। डिप्लूरा का एग्जाम्पल है जैपिगेट्स, कॉलम्बोला है स्प्रिंग टेल्स। कॉलम्बोला में प्रेजेंट होता है कोलोफोर, रेटिनाक्यूलम एंड फर्क्यूला, इसके एब्डोमिनल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। थाइसेन्यूरा का एग्जाम्पल है सिल्वर फिश। अब हम आते हैं टेरीगोटा में। टेरीगोटा विच मीन्स दे आर विंग्ड, इनमें विंग प्रेजेंट होता है। टेरीगोटा और इनमें मेटामॉर्फोसिस भी होता है, दे डेवलप थ्रू एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, दे गो थ्रू फेजेस। ऑलराइट, अब एक्सोटेरीगोटा के ऑर्डर्स हैं इफेमेरोप्टेरा जिसका एग्जाम्पल है मे फ्लाई, ओडोनाटा जिसका एग्जाम्पल है ड्रैगन फ्लाई या डैम्सल फ्लाई, प्लेकोप्टेरा जिसका एग्जाम्पल है स्टोन फ्लाई,
क्राइलोब्लैटोडिया जिसका एग्जांपल है रॉक क्राउलर, ऑर्थोप्टेरा जिसमें आता है ग्रास होपर्स एंड लोकस्ट, फैजमिडा उसमें आता है स्टिक एंड लीफ इंसेक्ट्स, डर्माप्टेरा उसमें आता है ईयरविक्स, एम्बियोप्टेरा उसमें आता है वेब स्पिनर्स, डिक्टियोप्टेरा उसका एग्जांपल है कॉकरोचेस एंड मैंटिस, आइसोप्टेरा उसका एग्जांपल है टर्माइट्स, टर्माइट्स आर आल्सो नोन एज वाइट एंट्स, ज़ोराप्टेरा उसका एग्जांपल है ज़ोराप्टेरन, सोकोप्टेरा बुक लाइस, मेलोफेगा उसका एग्जांपल है बर्ड लाइस, साइफोनक्यूलाटा जिसका एग्जांपल है हेड और बॉडी लाउस, हेमिप्टेरा जिसका एग्जांपल है बग्स, थाइसिनोप्टेरा जिसका एग्जांपल है थ्रिप्स। अब हम आते हैं इंडोटेरिगोटा की तरफ। एक्सोटेरिगोटा में जो है वो विंग डेवलपमेंट जो है वो एक्सटर्नल होता है और उनका मेटामॉर्फोसिस जो है इनकम्प्लीट होता है, दैट इज दे डोंट हैव प्यूपल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, वेयर एज इन इंडोप्टेरिगोटा विंग डेवलपमेंट जो है वो इंटरनल होता है और इनका मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होता है, विच मीन्स दे गो थ्रू एग लार्वल प्यूपल एंड देन एडल्ट स्टेज। एंडोटेरिकोटा का एग्जाम्पल है हाइमेनोप्टेरा जिसमें आता है बी वॉस्प एंट्स, लेपिडोप्टेरा जिसका एग्जाम्पल है बटरफ्लाइज मॉथ्स, कोलियोप्टेरा जिसका एग्जाम्पल है बीटल्स एंड वीवल्स, डिप्टेरा जिसका एग्जाम्पल है ट्रू फ्लाइज, स्ट्रेप्सिप्टेरा इसका एग्जाम्पल है स्टाइलोपिड्स, न्यूरोप्टेरा इसका एग्जाम्पल है एंट लायन एंड आउल फ्लाइज, मेकोप्टेरा इसमें आता है स्कॉर्पियन फ्लाइज, ट्राइकोप्टेरा कैडस फ्लाइज, साइफोनोप्टेरा इसमें आता है फ्लीज। और जो एक लास्ट ऑर्डर है उसका नाम है मैंटोफेजमेटोडिया। अब हम इन ऑर्डर्स के कुछ फीचर्स देखेंगे। एक्सोटेरिगोटा में इफीमेरोप्टेरा जिसका एग्जांपल है मे फ्लाइज, ओडोनाटा जिसका एग्जांपल है ड्रैगन फ्लाइज या डैम्सल फ्लाइज, इफीमेरोप्टेरा में जो मैंडिबल है वो मोनोकोंडाइलिक होता है, ओडोनाटा का जो मैंडिबल है वो डाइकोंडाइलिक होता है, और ओडोनाटा के विंग में एक ब्लैक स्पॉट या फिर नोडस ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसको हम टेरोस्टिग्मा कहते हैं। प्लेकोप्टेरा का एग्जांपल स्टोन फ्लाइज, इसमें ट्रैकियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्राइलोब्लैटोडिया का एग्जांपल है रॉक क्राउलर्स, ऑर्थोप्टेरा यानी ग्रास हॉपर्स या लॉकस्ट इनका फोर विंग जो है उसको हम टिगमाइना कहते हैं। फैजमेटा का एग्जांपल है स्टिक एंड लीफ इंसेक्ट्स, डर्माप्टेरा का एग्जांपल है ईयरविक्स, ईयरविक्स के जो सरसाई होते हैं या फिर वो जो सेंस ऑर्गन होता है एक सरसाई अ पेयर ऑफ सरसाई वो मॉडिफाइड इनटू अ स्क्लेरोटाइज्ड फोरसेप, वो फोरसेप शेप का होता है और वो स्क्लेरोटाइज्ड होता है। एम्बियोप्टेरा इसका एग्जांपल है वेब स्पिनर्स, डिक्टियोप्टेरा जिसमें आता है कॉकरोचेस एंड मैंटिस इसके भी फोर विंग्स को हम दे आर मॉडिफाइड इनटू टिगमाइना एंड उनका जो ऑसिलाई होता है वो रिप्रेजेंट होता है फेनेस्ट्रे से। आइसोप्टेरा जिसमें टर्माइट्स आते हैं उसमें प्रेजेंट होता है फ्रॉन्टेनल एंड दे मेक टर्मिटेरिया या फिर मोल्स। ज़ोराप्टेरा दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑर्डर एंड द बिगेस्ट ऑर्डर इज कोलियोप्टेरा। ज़ोराप्टेरा इसमें आता है ज़ोराप्टेरन्स, सोकोप्टेरा बुक लाइस, मेलोफेगा बर्ड लाइस, साइफनक्यूलाटा हेड और बॉडी लाउस, हेमिप्टेरा बग्स, बग्स में स्क्यूटेलम प्रेजेंट होता है, थाइसिनोप्टेरा उसमें आता है थ्रिप्स, थ्रिप्स के विंग्स जो हैं वो फ्रिंज्ड होते हैं और इनका राइट मैंडिबल्स जो है एब्सेंट होता है इसलिए इनका माउथ जो है वो एसिमेट्रिकल होता है। इंडोप्टेरा में इंडोप्टेरिगोटा में अब आते हैं हाइमेनोप्टेरा।
हाइमेनोप्टेरा में प्रेजेंट होता है बीज, वास्प एंड एंट्स, इसका एग्जाम्पल है। अब इसमें प्रेजेंट होता है प्रोपोडियम एंड गैस्टर। प्रोपोडियम एंड गैस्टर जो है वो हाइमेनोप्टेरा जो इंसेक्ट्स आते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। एंड दे हैव कॉर्बिक्यूला या फिर पोलन बास्केट ऑन देयर हाइंड लेग्स। लेपिडोप्टेरा जिसमें बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स आता है, इनका जो माउथ पार्ट जो है उसमें दैट कॉन्स्टिट्यूट प्रोबोसिस विच इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैलिया ऑफ मैक्सिला। कोलियोप्टेरा में बीटल्स एंड वीविल्स आते हैं, ये लार्जेस्ट ऑर्डर है और इसका फोर विंग जो है वो लेदरी होता है जिसको हम इलाइट्रा कहते हैं। डिप्टेरा इसमें ट्रू फ्लाइज आता है, दे हैव हॉल्टेयर्स यानी इनका इसमें वन पेयर ऑफ फोर विंग तो होता है लेकिन हाइंड विंग्स जो है वो मॉडिफाइड इनटू हॉल्टेयर। और स्ट्रेप्सिप्टेरा या स्टाइलोपिड्स दे आर इंडो पैरासिटिक इंसेक्ट्स और इनका जो फोर विंग है वो मॉडिफाइड होता है एज शूडो हॉल्टेयर्स। न्यूरोप्टेरा में आता है एंट लाइन, साउल फ्लाइज, लेस विंग्स। मेकोप्टेरा स्कॉर्पियन फ्लाई। ट्राइकोप्टेरा में कैडिस फ्लाई। कैडिस फ्लाइट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसके विंग्स में थाइरिडियम प्रेजेंट होता है। साइफनोप्टेरा में आता है फ्लीज। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लार्वास। लार्वा जो निम्फ होता है वो ऑर्थोप्टेरा यानी ग्रास होपर एंड लोकस्ट, हेमिप्टेरा यानी बग्स, वाइट फ्लाई, एफिड्स एंड जैसिड्स, इसके लार्वा को हम निम्फ कहते हैं। जबकि मॉथ्स, बटरफ्लाइज, बॉल वॉर्म्स, बोरर्स यानी लेपिडोप्टेरा के लार्वा को हम कैटरपिलर्स कहते हैं। कोलियोप्टेरा एंड हाइमेनोप्टेरा के लार्वा को ग्रब्स कहा जाता है और डिप्टेराज यानी जितने भी ट्रू फ्लाइज हैं उनके लार्वा को हम मैगट्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट। माउथ पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए इस पर थोड़ा एम्फेसाइज करना है। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है ग्रास होपर में, लोकस्ट में, बीटल्स में और लेपिडोप्टेरा के लार्वा में। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है ग्रास होपर, लोकस्ट, बीटल्स एंड लार्वा ऑफ लेपिडोप्टेरा। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट जो है वो हेमिप्टेरा में होता है और डिप्टेरा में होता है यानी मस्क्यूटोज, एफिड्स, बग्स एंड लीफ हॉपर्स। स्पॉन्जिंग टाइप होता है हाउस फ्लाइज में। साइफनिंग टाइप होता है बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स में यानी लेपिडोप्टेरा में। च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप होता है हनी बीज में। रास्पिंग एंड सकिंग टाइप होता है थ्रिप्स में और रास्पिंग एंड सकिंग टाइप जो है माउथ पार्ट का वो एसिमेट्रिकल होता है। अब हम इम्पॉर्टेंट ईयर्स देखेंगे। 1951 में आरएच पेंटर नाम के साइंटिस्ट ने रेसिस्टेंट टर्म क्वाइन किया था और अपनी पहली बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था इंसेक्ट रेसिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट्स। और आरएच पेंटर इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस। 1962 में एक बहुत ही फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश हुई थी और इसकी ऑथर हैं रेचल कार्सन। साइलेंट स्प्रिंग बाय रेचल कार्सन 1962। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1964 में पॉल डी बैक नाम के एक साइंटिस्ट ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड्स। 1973 में सबसे फर्स्ट फोटोस्टेबल पायरेथ्रॉइड का डेवलपमेंट हुआ था जिसको हम परमेथ्रीन कहते हैं। 1975 में एलकार यानी HANPV हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा NPV न्यूक्लियो पॉलीहेड्रल वायरस ये रजिस्टर किया गया था फॉर कंट्रोल ऑफ बॉल वॉर्म एंड टोबैको बर्ड वॉर्म इन कॉटन। 1987 में
सबसे फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप हुआ था और रिपोर्ट हुआ था एम वैक इट ऑल ऑफ बेल्जियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी प्लांट जेनेटिक सिस्टम बाय ट्रांसफरिंग बीटी जीन टू टोबैको फॉर द कंट्रोल ऑफ मंडुका सेक्स्टा। 1988 में नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था न्यू दिल्ली में। 1951 में आयरिश पेंटर ने रेसिस्टेंस टर्म कॉइन किया था एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेसिस्टेंस। 1962 में साइलेंट स्प्रिंग वॉज पब्लिश्ड बाई रेचल कार्सन। 1964 में बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड्स ये बुक पब्लिश हुआ था और इसके ऑथर हैं पॉल डी बैग। 1973 में फर्स्ट फोटोस्टेबल पायरेथ्रॉइड जो है उसका डेवलपमेंट हुआ था जिसका नाम है परमेथ्रीन। 1975 में सबसे फर्स्ट HANPV जिसका ट्रेड नेम है एलकार वो रजिस्टर किया गया था फॉर कंट्रोल ऑफ बॉल वॉर्म कॉटन बॉल वॉर्म एंड टोबैको बर्ड वॉर्म। 1987 में डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट which was reported by M. Wake and co-workers of Belgian biotechnology company plant genetic system by transferring BT endotoxin gene to tobacco for the control of Manduca sexta. 1988 में NCIPM yani National Center for Integrated Pest Management New Delhi establish हुआ था। अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक डिसीजन लेवल्स फॉर पेस्ट पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्रेशहोल्ड। सबसे पहले उसमें आता है डैमेज बाउंड्री या DB। यहाँ पे हम लॉस को रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं। फिर आता है ETL यानी इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल। इस लेवल पे कंट्रोल मेजर्स शुड बी अप्लाइड। इसको हम इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल या फिर एक्शन थ्रेशहोल्ड लेवल भी कहते हैं। और इस लेवल पे जब पेस्ट डेंसिटी होती है तो हमें कंट्रोल मेजर को जो है वो अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए टू प्रिवेंट एन इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम रीचिंग द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। अगर इस लेवल पे हम शुरू करेंगे एप्लीकेशंस या जितने भी मेजर्स हैं उसको अप्लाई करना तब इंसेक्ट्स को EIL यानी इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंचने से रोका जा सकता है। अब EIL यानी इकोनॉमिक इंजरी लेवल इट इज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द पेस्ट दैट विल कॉज इकोनॉमिक डैमेज। अगर पेस्ट डेंसिटी जो है वो EIL रीच कर गई है तो अब इकोनॉमिक डैमेज होना शुरू हो जाता है और EIL इज़ ऑल्सो नोन एज डैमेज थ्रेशहोल्ड लेवल। अब लास्ट है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन GEP। ये जो होता है ये एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी होता है किसी भी इंसेक्ट पॉपुलेशन का ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो कि जो टेम्प्ररी इंटरवेंशन हम यूज़ करते हैं पेस्ट कंट्रोल करने के लिए उससे अनइफेक्टेड रहता है। GEP जो है वो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी होता है किसी भी इंसेक्ट के पॉपुलेशन का जो हमेशा से बहुत लॉन्ग टाइम से परसिस्ट करता आ रहा है और जितने भी टेम्प्ररी मेथड्स हैं पेस्ट कंट्रोल करने के ये इनको स्केप कर देता है। अब इंसेक्ट और पेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है? एक इंसेक्ट पेस्ट तभी कहलाता है या फिर कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म वो पेस्ट तभी कहलाता है जो जब वो इकोनॉमिक लॉसेस कॉज करने लगता है हमारे क्रॉप को या फिर न्यूशंस और हेल्थ हैज़र्ड टू मैन एंड हिज लाइफ स्टॉक यानी वो या तो इकोनॉमिक लॉसेस कॉज करना शुरू कर दिया या फिर हेल्थ हैज़र्ड वो हैज़र्डस हो जाता है हमारे हेल्थ के लिए नॉट ओनली टू ह्यूमन बल्कि उसके लाइफ स्टॉक्स के लिए भी। तब हम ऐसे इंसेक्ट को या फिर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बीट रॉडन बीट इंसेक्ट बी इज पैथोजन उसको हम पेस्ट में कैटेगराइज करते हैं। उसका एग्जांपल है इंसेक्ट्स रैट्स माइट्स वीड्स एट्सेट्रा। अब पेस्ट की कैटेगरीज क्या है? सबसे पहला है की पेस्ट। की पेस्ट जो है वो सबसे सीवियर और डैमेजिंग पेस्ट होता है।
इसकी एग्जाम्पल है कॉटन बॉल वॉर्म, डायमंड ब्लैक मॉथ, ग्रैम पॉट बोरर। उसके बाद आता है मेजर पेस्ट। मेजर पेस्ट जो है इसमें जो GEP होता है, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये EIL के पास ही होता है। लेकिन मेजर पेस्ट को हम अगर टाइम से इसमें कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने लगे तो GEP को EIL क्रॉस करने से बचाया जा सकता है। जबकि की पेस्ट में GEP जो है वो ऑलरेडी डैमेज बाउंड्री और इकोनॉमिक इंजरी लेवल से बहुत ऊपर होता है। की पेस्ट को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेजर पेस्ट को अगर हम टाइमली इंटरवीन करें तो रोका जा सकता है। अब आता है माइनर पेस्ट। माइनर पेस्ट में जो है GEP वो ऑलरेडी EIL और डैमेज बाउंड्री से नीचे होता है और अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन जो GEP है वो, अगर इंसेक्ट्स को फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलते हैं तो फिर इंसेक्ट्स का जो GEP है वो EIL और DB क्रॉस कर सकता है। लेकिन यूजुअली ये कंट्रोल्ड रहता है। इसके एग्जांपल हैं थ्रिप्स, माइट्स, शुगरकेन, मिलीबग। अब आते हैं रेगुलर पेस्ट पर। रेगुलर पेस्ट जो है वो कुछ स्पेसिफिक सीजनल क्रॉप्स को इफेक्ट करता है, जैसे कि कुछ सीजनल क्रॉप जैसे कुछ सीरियल्स, कुछ पल्सेस, कुछ फ्रूट्स, और दे पास थ्रू मेनी जनरेशंस ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड। एग्जांपल राइस स्टेम बोरर। अब आते हैं हम स्पोरैडिक पेस्ट की तरफ। इसका पॉपुलेशन जो है इन जनरल वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, लेकिन कुछ साल कभी कभी जब इसको बहुत फेवरेबल कंडीशन इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलते हैं तो ये एपिडेमिक कॉज कर सकते हैं और इनका जो GEP है वो EIL और DB क्रॉस कर सकता है। इसलिए स्पोरैडिक पेस्ट को हम इन जनरल कल्चरल प्रैक्टिसेस से मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल है रूट ग्रब, हेरी कैटरपिलर, कटवॉर्म, ग्रास होपर्स। आप सारे जितने भी पेस्ट की कैटेगरीज हैं उनके एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है कि कौन सा पेस्ट की पेस्ट है, कौन सा रेगुलर है, कौन सा स्पोरैडिक है, कौन सा पोटेंशियल है, कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए एग्जाम्पल्स एटलीस्ट याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं पोटेंशियल पेस्ट की तरफ। पोटेंशियल पेस्ट ऐसे पेस्ट होते हैं जो इन जनरल इकोनॉमिक डैमेज नहीं करते हैं, इसलिए इन जनरल दे आर नॉट लेबल्ड एज पेस्ट, और इनका GEP जो है वो डैमेज बाउंड्री और इकोनॉमिक इंजरी लेवल से बहुत नीचे होता है इवन इन फेवरेबल कंडीशन। लेकिन एनी चेंज इन इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम में कोई भी चेंज आता है तो वो इनके GEP को बहुत ऊपर पुश कर सकता है। एंड देयर इज़ अ डेंजर ऑफ डैमेज, इकोनॉमिक डैमेज फ्रॉम दीज पेस्ट इफ कंट्रोल ऑपरेशन अगेंस्ट अदर कैटेगरीज ऑफ पेस्ट आर अंडरटेकन इन एन इनडिस्क्रिमिनेट मैनर। इनका पॉपुलेशन वैसे तो कम होता है, लेकिन कभी कभी इकोसिस्टम में कुछ इम्बैलेंस हो गया तो इनका GEP जो है वो DB और EIL को क्रॉस कर सकता है, अगर सही टाइम पर अदर पेस्ट्स को मैनेज नहीं किया जाए। इसके एग्जाम्पल है स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा ऑन कॉटन या फिर सोयाबीन, आर्मी वॉर्म ऑन वीट। प्लीज डू फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.topperninja.com। थैंक यू एंड स्टे सेफ।